वर्ल्ड कप 2023 में कोई एक टीम जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, सबसे ज्यादा फेवरेट्स है वो वर्ल्ड कप जीतने के, वो है इंडिया। अब इंडिया अपने पिछले 6 में से 6 मुकाबले जीता है, टीम में कोई दिक्कत लग नहीं रही है, सब फुल फॉर्म में है, अनलेस एंड अनटिल हम एक खिलाड़ी की बात करें जो है टीम इंडिया का स्टार ऑलराउंडर, टीम इंडिया का सबसे मेन प्लेयर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इस टाइम अपनी इंजरी से जूझ रहे हैं और NCA में एडमिटेड है। NCA यानी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में वो अपनी इंजरी को हील कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी मेडिकल टीम जो है पूरी NCA की, वो हार्दिक पांड्या का टेक केयर कर रही है। पर अब हार्दिक पांड्या की इंजरी पे अपडेट क्या है, तो अकॉर्डिंग टू BCCI हार्दिक पांड्या को हुआ है ग्रेड 1 लिगामेंट टियर। अब ग्रेड 1 लिगामेंट टियर का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको 2 हफ्ते तो लगेंगे इस पूरी इंजरी को हील करने में। इंजरी हील होगी उसके बाद प्लेयर रिहैब भी करेंगे, क्योंकि सीधे हील के बाद प्लेयर मैदान पर नहीं उतरते। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि 3 हफ्ते तो लग गए हार्दिक पांड्या को वापस मैदान पर आने के लिए। तो अब क्या हार्दिक पांड्या सीधे सेमीफाइनल में खेलेंगे, ये एक बेहद बड़ा सवाल है। और BCCI ने ये भी क्लियर किया है कि इस टाइम पर वो हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या ठीक होंगे और उसके बाद हम हार्दिक पांड्या को खिलाएंगे। तो क्या सीधे इंजरी से आके हार्दिक पांड्या को सेमीफाइनल में खिलाना सही रहेगा या गलत रहेगा, ये आप जरूर इस कमेंट सेक्शन में बताइए। पर सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर हार्दिक पांड्या वापस भी आते हैं तो पहली बात तो सेमीफाइनल में वापस आएंगे तो बाहर कौन जाएगा, क्योंकि मोहम्मद शमी बड़े अच्छे फॉर्म में है। और उसके बाद हम बात करें तो सूर्य कुमार यादव अच्छे फॉर्म में है, 49 रन कल भी बनाए। तो फिलहाल बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है टीम इंडिया में कि हार्दिक पांड्या वापस कब आएंगे, और अगर वापस आते हैं तो टीम में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, सीधे सेमीफाइनल में खिलाना उन्हें सही रहेगा या नहीं। बाकी सारी अपडेट्स हार्दिक पांड्या की इंजरी की मैं आपको देता रहूंगा सिर्फ और सिर्फ india.com पर।